इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह विंडोज 10 लैपटॉप में कर्सर बिलिंग रेट किस तरह चेंज कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कर्सर क्या होता है। ये जो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है बिलिंग होते हुए, इसे ही कर्सर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर भी देखिए आप, मैंने यहाँ पर माउस लेकर आया तो ये एक वर्टिकल लाइन ब्लिंक हो रही है, तो ये कर्सर है। तो आइए जानते हैं किस तरह हम कर्सर ब्लिंक रेट चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ सर्च करना है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर ऐसा ना दिखाई दे आपको तो यहाँ पर राइट साइड में व्यू बाय आपको लार्ज आइकन्स रखना है, तो ये पहले से ही लार्ज आइकन्स हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा कीबोर्ड, आपको कीबोर्ड पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा स्पीड में कर्सर ब्लिंक रेट। तो अभी आप देख सकते हैं कर्सर ब्लिंक की स्पीड कितनी है, तो मैं इसे थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। तो अब देखिए कर्सर बिलिंग रेट, मैं इसे और फास्ट कर देता हूँ तो ये कितना फास्ट हो रहा है। और आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और ओके कर लेना है। तो इस तरह आप कर्सर बिलिंग रेट चेंज कर सकते हैं विंडोज 10 लैपटॉप में।